नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर रात के 2:58 हुए हैं। रेलवे कंट्रोलर देव का पूरा ध्यान ट्रेन नंबर 22340 पठानकोट दिल्ली सुपरफास्ट एक्सप्रेस पर है। ये ट्रेन कुछ ही देर पहले हरियाणा के करनाल से रवाना हुई है। देव के लिए अगले आधे घंटे मुश्किल भरे होने वाले हैं, साथ ही रेलवे ट्रैक ठीक करने वाले उन कर्मचारियों के लिए भी जो पानीपत जंक्शन के पास ट्रैक किनारे बैठे हैं। जैसे ही पठानकोट दिल्ली एक्सप्रेस पानीपत पहुंची, कर्मचारियों को ट्रैक पर काम करने के लिए हरी झंडी दे दी गई। अब जब तक अगला आदेश नहीं मिलता, ये कर्मचारी बिना किसी डर के ट्रैक पर काम करते रहेंगे। इधर देव ने पानीपत के स्टेशन मास्टर को फ़ोन लगाया और कुछ बातें की। 15 मिनट के लिए ट्रैक को आवाजाही के लिए ब्लॉक करने की इजाज़त देते वक्त देव को मालूम था कि अभी कई और ट्रेनें कतार में हैं। वह यह भी जानते हैं कि इन ट्रेनों को कैसे और किस वक्त पास देना है। इसरो के गगन का कमाल। एक साल पहले तक ट्रेनों की आवाजाही के बारे में ऐसे फैसले रेलवे कंट्रोलर नहीं ले पाते थे। यह संभव हुआ कि इसरो के गगन GPS पर आधारित एक नेविगेशन सिस्टम से। यह सिस्टम सैटेलाइट द्वारा संचालित है, जो कि पहले भारतीय एयरस्पेस के लिए बनाया गया था। अब यह सिस्टम से हर 30 सेकंड पर ट्रेनों की स्पीड और लोकेशन का डेटा देता है, जिससे ट्रेनों की टाइमिंग स्टीक हो गई है। रेलवे कंट्रोलर देव की पोस्टिंग उस सेक्शन में है जो दिल्ली अम्बाला के बीच ट्रेनों की आवाजाही को मैनेज करते हैं। अपनी 6 घंटे की ड्यूटी में देव के पास यह अधिकार है कि वह किसी भी ट्रेन को रोक सकते हैं और किसी ट्रेन को आगे कर सकते हैं। पहले रेलवे कंट्रोलर की ड्यूटी मुश्किल थी। उसका ज़्यादातर समय रजिस्टर में ट्रेनों का डेटा फीड करने में ही चला जाता था। ऐसे में वह ज़रूरत के हिसाब से ट्रेनों को चलाने की प्लानिंग नहीं कर पाता था। अब डेटा सीधा सैटेलाइट से जुड़े जाने की वजह से देव को ज़्यादा समय मिलता है, इसलिए वह प्राथमिकता के आधार पर ट्रेनों को समय से पहुंचाने का काम करते हैं। अगर कोई ट्रेन 60-70 की स्पीड में चल रही है और ट्रैक में 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन चलाई जा सकती है, तो देव उस ट्रेन को स्पीड बढ़ाने का निर्देश देते हैं। जबकि पहले 2 स्टेशनों के बीच कवर की गई दूरी के आधार पर ट्रेन की स्पीड मापी जाती थी, लेकिन अब यह हर 30 सेकंड में पता चलता रहता है। देश के करीब आधे लोकोमोटिव इंजनों में नए सिस्टम लग गए हैं, मतलब वे सैटेलाइट से जुड़ चुके हैं। इसमें 120 करोड़ रुपए का खर्च आया है। इसरो का यह सैटेलाइट रणनीतिक और गोपनीयता के नज़रिए से महत्वपूर्ण है, इसलिए हम उस सैटेलाइट का नाम प्रकाशित नहीं कर रहे। लेकिन नए सिस्टम से यह साफ है कि देव जैसे हजारों रेलवे कंट्रोलर ट्रेनों को टाइम से पहुंचाने लगे हैं। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थप्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।